Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to share our most awaited video, and that is of red velvet. Today's video will be helpful for the beginners also. क्योंकि आज मैं रेडीमेड केक मिक्स से रेड वेलवेट बनाने जा रही हूँ. तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस बॉक्स में मिक्सड अप हैं और हमें सिर्फ वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे, तो ये बहुत आसानी से केक बन जाएगा. मैंने इस मिक्स को छान लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं. दिस एक्चुअली बिकम्स अ वन बोल केक दैट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू गेट प्रिपेयर्ड एंड स्ट्रेट इन टू द ओवन. आप फ्लावर मिक्स को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और 3 अंडे इसमें जाएंगे. आप वन बाय वन करके तोड़िए और इसमें ऐड करते जाइए. उसके बाद हम योक्स को ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे. और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है ऑयल. 1/3 कप इसमें ऑयल जाएगा. आप ऑयल डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए. और तीसरा इंग्रेडिएंट है 1 कप वाटर. ये पानी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ठंडा पानी है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए. थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और हल्के हाथों से इसको मिक्स कीजिए. ये पूरा जब 1 कप इसमें आप ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कीजिए. देखिए ये बैटर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा. 180 डिग्री पे आप अपना ओवन ऑन करेंगे. 40 से 45 मिनट में आपका केक बेक हो जाएगा. मीन वाइल हमारा केक ओवन में है तो हम इसकी आइसिंग तैयार कर लेते हैं. आइसिंग रेड वेलवेट्स के लिए आइसिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेड एंड वाइट कलर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी नाइसली. ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम रखी थी जो कि मैंने किसी केक से बचा ली थी और उसको फ्रीज कर दिया था. आज दोबारा मैंने निकाली है और एक दफ़ा मैं इसको बहुत अच्छे से तीन से चार मिनट के लिए इसको बीट करें और ये आपकी क्रीम व्हिप हो जाती है. इसको एक साइड पर रखिए. अब हमें चाहिए वाइट मक्खन. वाइट मक्खन 100 ग्राम्स होना चाहिए, बट मेरे पास वाइट नहीं था, इतना ही था जो मैंने यूज़ कर लिया. अराउंड 65 to 70 ग्राम्स मेरे पास मक्खन. आप 100 ग्राम्स यूज़ करेंगे तो आइसिंग की क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी. 4 टेबल स्पून्स इसमें मैंने आइसिंग शुगर ऐड की है. उसके बाद दोबारा से इस मक्खन को बीट कीजिए इतना कि चीनी और मक्खन आपस में यकजा. इसको स्क्रेप डाउन कीजिए, फिर दोबारा से इसको बीट कीजिए. जब तक कि मक्खन फ्लफी नहीं हो जाता हम इसको बीट करते हैं. लेकिन जब ये मक्खन मैंने चखा तो मुझे लगा कि इसमें चीनी कम है, बिकॉज आइसिंग शुगर थोड़ी सी फीकी होती है. फिर 2 टेबल स्पून्स इसमें मैंने और ऐड की. टोटल 6 टेबल स्पून्स हमने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की. उसके बाद आप इसको दोबारा से बहुत अच्छा से मिक्स कीजिए तो फिर ये चीनी दोबारा मक्खन में मिक्स हो जाए. अब देखिए कि जो क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी वो भी हम इसमें ऐड करके बीट करेंगे. अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो जो आम डेयरी क्रीम मिलती है टेट्रा पैक वाली, आप वो इसमें डाल के बीट कर लीजिए, नो इश्यूज. लेकिन वाइट आइसिंग हमें ज़रूर तैयार करनी. देखिए इसको दोबारा से आप बीट कीजिए बहुत अच्छा सा. ये हमारी आइसिंग तैयार हो गई है, लेकिन इसमें वनीला आइसिंग अभी रहता है. तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा. और इसको जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स अगेन और ये हमारी एसेंस आप इसके ब्लेड्स हटा दीजिए और आइसिंग को एक तरफ रख दीजिए. केक को ओवन से निकालिए, उसको ठंडा कीजिए, उसको पीसेस कीजिए और उसके बाद उसको आइस कीजिए. केक की साइड से एक स्ट्रिप मैंने उतार ली थी, उसके क्रम्स बना लिए थे ताकि हम केक को डेकोरेट कर सकें. आप पाइपिंग बैग में इस आइसिंग को डाल के नोज़ल लगा के आप इस पर रोजेट्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा. बट मैंने इसको इसी तरह स्प्रेड कर दिया है. आप बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए. अब ये देखिए कि टेबल स्पून की बैक साइड से मैं इस पर रोजेस बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ. और उसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे, केक के क्रम्स डालेंगे, तो जिससे ये केक बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा. आप इस वीडियो के एंड में देखिएगा कि मैंने एक इमेज लगाया है उस केक का जो मैंने खुद अपने इंग्रेडिएंट से बनाया था. मगर जब वो रेड कलर मेरे पास ख़त्म हो गया तो फिर मुझसे इतना खूबसूरत केक नहीं बना. वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड हैड गिफ्टेड दैट कलर टू मी, बट अभी तक उस ब्रांड का रेड कलर मुझे नहीं मिला है. अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके साथ ब्रांड भी शेयर करूँगी और एक बार फिर रेड वेलवेट बनाऊँगी और आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी. आप जब भी रेड वेलवेट बनाइए तो उसको हमेशा वाइट क्रीम से आइस कीजिए. क्रीम चीज़ भी हो सकती है,
व्हिपिंग क्रीम भी हो सकती है, सिंपल डेरी क्रीम भी हो सकती है, लेकिन आइसिंग इज मस्ट बिकॉज रेड एंड वाइट कलर एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये वो रेड केक है जो मैंने खुद बनाया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि ये रेड कलर मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके ऊपर मैंने क्रीम चीज़ की आइसिंग की थी। आप किसी भी क्रीम के साथ इसको आइस कीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आइस ज़रूर कीजिए। दैट वुड बी लवली टू लुक एट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।